अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड, जो कि हल्की फुल्की भूख में कभी भी बनाया जा सकता है, या शाम की चाय के साथ आप स्नैक्स के रूप में बनाकर ले सकते हैं, या सुबह नाश्ते में भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ चीजें ले ली है। मैंने 3 स्लाइस ब्रेड के लिए थे, ये मैंने व्हाइट ब्रेड लिए हैं और इसको मैंने 20 से काट लिया है। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, या पूरी ब्रेड का भी बना सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ली है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये 8 से 10 कलियां लहसुन की थी, मैंने इसको ग्रेट करके रख लिया है। थोड़ा सा मैंने ऑरेगानो लिया है, आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने कद्दूकस की हुई चीज ली है और ये थोड़ा सा मैंने बटर ले लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स ली है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन का यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम मक्खन को अपने तैयार कर लेंगे। ये जो मैंने लहसुन ग्रेट किया था ये ऐड कर देंगे इसमें, और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे क्योंकि हमारे बटर में भी नमक है और चीज में भी नमक है, तो बहुत ज्यादा नमक का यूज नहीं करना। आप चाहें तो ना भी करें, तो 1 चुटकी से भी कम हमने नमक लिया है। इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे लहसुन और मक्खन को, और ये जो हमने चीज ली है इसमें मिला लेंगे चिली फ्लेक्स, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हरे धनिया का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब अपनी ब्रेड तैयार करेंगे। काली मिर्च लिया था 1 से 2 चुटकी, हम ये भी डाल लेंगे मक्खन में ही, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको अपने ब्रेड पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से, पूरी ब्रेड पे हम अच्छे से फैला लेंगे इसको इस तरीके से। और जो हमने चीज लिया था हल्का हल्का हम ये डाल लेंगे। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा चीज का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से सारे स्लाइस पे हम इस तरीके से मक्खन लगा लेंगे, और इसमें हम चीज भी डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ा थोड़ा सा हम ऑरिगेनो ऊपर से छिड़क देंगे इसमें, वो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। इस तरीके से हम अपने सारे स्लाइस तैयार कर लेंगे। ये मैंने पैन रख लिया है और मैंने इसको स्लो हीट पर रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा मक्खन भी लगा सकते हैं आप, और ऑयल भी लगा सकते हैं, तो हल्का हल्का इसमें हम लगा देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम अपनी और ब्रेड सेक लेंगे, एक बार में जितने भी पीस आए ऐसे करके। लगा देंगे हम ढक्कन और बिल्कुल स्लो हीट पर इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे या चीज मेल्ट होने तक। ब्रेड हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये नीचे से भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह अपने हम सारे स्लाइसेस तैयार कर लेंगे। आप इसको कभी भी हल्की फुल्की भूख में बनाकर खा सकते हैं, या बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ब्रेड बनकर तैयार होती है। देखिए हमारी ब्रेड गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हो गए। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।